ओम शांति।
आज एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मुरली का। एक तरह से कहा जाए तो फंडामेंटल प्रैक्टिस है ये राजयोग की, स्वमन का अभ्यास। अब अपने साथ साथ समय के महत्व को भी आज अंडरलाइन किया है। तो इस मुरली का डेट है 16 नवंबर 2006। मुरली का टाइटल है अपने स्वमन की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। तो स्वमन का अभ्यास करने से क्या क्या फायदे होते हैं, इस बात से हम शुरू करते हैं। तो ब्रीफली कोई शेयर करना चाहेगा कि स्वमन के अभ्यास से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ओम शांति। तो स्वमान जैसे कि सेल्फ एस्टीम, तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब हम अपना सेल्फ एस्टीम लूज करने लगते हैं, तभी हमको लगता है कि हम जब हमारा जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्सट्रीम जब होने लगते हैं, वो तभी होता है जब हम प्रूव करना चाहते हैं कुछ। हम अपने आप को वो समझते नहीं हैं जो हम हैं, हमको पता नहीं है कि हम हमारी वर्थ क्या है। सो आई वॉन्ट टू प्रूव समथिंग। तो ये जो स्वमान बाबा आकर देते हैं, तो वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम रहता है कि ये हम हैं, हमें पता है कि ये है और इसके बियॉन्ड मतलब सच है ये। और इसके जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो जो भी स्वमान है उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसमें रहकर अगर हम काम करेंगे तो हमें कुछ प्रूव नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप रेडिएट होती हैं वो क्वालिटीज। तो एक तो बाबा ने आके जो हमें ये स्वमान दिया, तो स्वमान हमारे लिए स्मृति का भी काम करता है कि हमको याद रहता है कि हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, क्योंकि स्वमान में हमारे बहुत सारे कर्तव्य भी आते हैं कि हम करने के लिए क्या आए हुए हैं। तो एक तो स्वमान हमारा बिहेवियर कंट्रोल पैटर्न हो जाता है कि हम जब स्वमान में याद आ जाता है कि हम इसमें स्थित रहना है, तो हमारे रिस्पॉन्सेज कंट्रोल्ड होते हैं और अलाइंड होते हैं हमारे स्वमान के साथ। और हमें जैसे बाबा कहते हैं स्वमान में रह के सम्मान देना है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे भक्ति में क्या करते हैं कि हम बिल्कुल ही आप ही सब हो, हम तो कुछ भी नहीं है, तो वैसा नहीं है। तो आई एम ऑल्सो आई एम इन माई सेल्फ एस्टीम, बट आई एम गिविंग दैट रिगार्ड ऑल्सो। तो स्वमान में रह के सम्मान देना बहुत आसान हो जाता है और अपनी एक डिग्निटी रहती है कि जब हम स्वमान में हैं तब हम डिग्निफाइड वे में अपना जो रिस्पॉन्स देते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो स्वमन का अभ्यास तो हम सभी करते रहे हैं कभी ना कभी। तो आज हम ये कोशिश करते हैं आज की मुरली से कि हम एक्स्ट्रा बात ऐसी क्या समझ जाएं और जिससे हमारे स्वमन का अभ्यास और इफ़ेक्टिव हो जाए। तो बाबा ने बड़ी अच्छी लाइन कही कि बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखने चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छा सा फ्रेज है, एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में। इसको कोई शेयर करना चाहेगा, इस पे कोई रिफ्लेक्शन? एकाग्रता के रूप में और स्वमानधारी स्वरूप में। इसका जो अभी तक हमने समझा वो ये हाँ, आशा बहन आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि एकाग्रता यानी कि बाबा के और समय रहेंगे तो अभी भूलेंगे नहीं। जो भी बाकी चीजें आएंगी वो कांटे हैं, हमें उन हमें और मजबूत बनाई है वो परिस्थिति। जो भी आएंगी वो हम अंदर से मजबूत होंगे। समान में स्थित होने से हम अंदर से मजबूत रहेंगे कि समझदारी है, हमें बाबा ने सम्मान दिया है। तो ये बाकी परिस्थितियां आ रही है हमें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। इसमें एकाग्रता के लिए से बाबा ने अभी संडली में भी बोला कि
एकाग्रता क्या, कि अगर मन हलचल में नहीं आए, अगर भटकता है तो वो भी इम्प्योरिटी। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एकाग्रता, फोकस इज, एंड अगर प्योरिटी है तो फिर हम उस चीज में कंटिन्यूअसली स्टे कर सकते हैं। जो बाबा कहते हैं कि हम 1 सेकंड में जाए और जितनी देर चाहें उस समान में, उस स्थिति में स्थित रह सके, एकाग्रता इज प्योरिटी। तो इसमें ऐसे, बाबा हाँ जी, ने ये भी कहा है, समान समान मतलब सभान, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये चीज का हमें स्मृति रहना। और जब हम आत्मिक स्थिति में तो अभिमान ऑटोमेटिकली रहेगा, और जब अभिमान नहीं होगा तो हम निर्माण स्थिति में रहेंगे। तो बाबा इससे आपके स्वभाव भी जो टक्कर होती है छूट जाएगी, तो अभिमान होगा और हम अपमान की फीलिंग में भी नहीं आए अगर हम समान में रहेंगे। तो हमें अपना किसी चीज का मानेगा हमें कि हमें देह भान नहीं है, बुद्धि का नहीं है, या फिर हमें किसी चीज का अपने अभिमान नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली विघ्नविनाशक भी बन जाएंगे। बने बिल्कुल। तो जैसे बाबा ने कहा कि एकाग्रता के रूप में सुमन धरी, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि जैसे ही हम स्वमान में स्थित होंगे तो हमारे संकल्पों की संख्या कम हो जाएगी। मान लीजिए हर मिनट 60 आते थे पहले, तो स्वमान की प्रैक्टिस करने वाली आत्मा के कितने आने चाहिए, 30-40 लेट से। तो बाबा जब कह रहे हैं एकाग्रता, तो उसमें भी ये है कि वो स्वमान बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। अगर स्वमान भी बार बार चेंज होता है तो उसे एकाग्रता नहीं कहा जाएगा। फिर मान लीजिए कि पूरे दिन के लिए हमने सोचा हमें ये एक्सपीरियंस करना है कि मैं लाइट हाउस हूँ और सारे विश्व को हम शांति की और शक्ति की किरणें दे रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि 20 मिनट बाद बदल के फिर कुछ और दिखा, कुछ और हमने सुना तो फिर वो बदल गया। तो वो एकाग्रता की शक्ति बनेगी नहीं, क्योंकि बार बार थॉट्स चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो बाबा ने फिर यही कहा कि सदा एक रस स्थिति कम रहती है, और उसका कारण क्या है, बहुत ही अच्छा कारण है, सदा अटेंशन की कमी। तो इसको अगर हम ऐसे सोचें कि अटेंशन हमारे पास जितना है, मान लीजिए 100 यूनिट्स अटेंशन है, तो अटेंशन की कमी अगर स्वमान में हुई तो अटेंशन कहीं और चला गया होगा। क्वालिटीज क्या है, तो वो एक्सपीरियंस करने के, प्रैक्टिस करने के लिए इट नीड्स टाइम। अगर अगर हम जल्दी चेंज करते रहेंगे तो वो टाइम हमारे पास उतना नहीं मिलेगा, और हम सिर्फ हॉप करेंगे एक सामान से दूसरे सामान। तो भी कह रहे हैं, हाँ जी, बाबा ने फिर आगे बताया कि कितना बड़ा सम्मान है कि विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो, बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूरत और धर मूरत बनाया है, नशा है। तो बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें याद दिलाई कि वह परमात्म तख्त लाइट का ताज स्मृति का तिलक दिया। तो स्मृति आ रही है ना कि मैं कौन, नशा चढ़ रहा है ना, तो बहुत बहुत नशा बाबा ने दिलाया। तो इसको पढ़ते समय बाबा से एक बार ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग को भी नहीं आता है, बाबा कैसे हम हर चीज सिखानी पड़ती है, कि हमें ये भी पता है कि हमें मिला क्या है। तो ये बार बार बाबा हमको रियलाइज करा देते हैं कि ये वो वर्डिंग्स में ही नहीं आता है, तो फिर वो रियलाइजेशन में भी नहीं आता है। तो जब बाबा बोलते हैं कि कितना बड़ा है ये सामान, तो फिर एकदम वो रियलाइजेशन स्ट्रक होता है कि कहाँ, मतलब बाबा कहाँ कहाँ फंसे हुए थे, बाबा कहाँ लेकर कहाँ बिठा दिया है, वो भी बाबा को ही बता पड़ रहा है कि वो हम अब वो भी अपने आप नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कोई बच्चा खो गया हो और उसकी स्मृति भी चली गई हो, तो सारा फिर से याद दिला रहे हैं बाबा धीरे धीरे कि कौन हो, कौन मिला है और क्या क्या प्राप्तियाँ हुई हैं। तो बहुत प्राप्तियाँ बाबा ने आज गिनाई हैं। तो जैसे बाप के पास बेहद है, तो आपके पास भी बेहद है ना। तो बाबा ने फिर एक तरह से समराइज़ किया कि टोटल बात यह है कि स्वयं की पहचान और अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना,
फिर बाबा ने आगे कहा कि अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया। तो पा रहे हैं यह बेहद खजाने के, बेहद बाप के बच्चे बोल नहीं सकते। तो फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे स्वमान कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। ये बहुत ही डीप लाइन है। अगर हमें स्वयं का महत्व नहीं है तो हम समय का महत्व भी नहीं रखते। तो हम टाइम की कितनी वैल्यू करते हैं वो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग है कि हम स्वयं की कितनी वैल्यू करते हैं। तो इस बारे में कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मिता बहन कुछ बोलेंगे? ये तो आज मुरली पढ़ रहे थे तो हमें जानकी दादी जी की याद आई कि बाबा ने कहा मैं कौन, तो मेरा स्वमान याद इसकी स्मृति रहती है क्या? तो दादी जी की स्वमान की कितनी ऊंची थी। सॉरी, दादी जी का लास्ट लास्ट समय में सारा पुरुषार्थ समेट चुका था। मतलब जब बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की स्थिति में कि मैं कौन और मेरा कौन, तो वो स्टेज बाबा चाहते हैं। तो ये अनुभव हो रहा था आज कि शान से परे होंगे तो फिर परेशान रहना होगा। तो ये जो बने स्वमान की प्रैक्टिस कही है, इसका अनुभव भी किया हुआ है कि कैसे स्वमान की चिंतन से हमारा नशा बढ़ता है और ऑटोमेटिक फिर बाबा रहा स्वयं की पहचान प्रॉपर है। जो बाबा ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन, जो बाबा ने आज वर्ड यूज किया, तो वहाँ बाबा की याद और समय का महत्व, ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाता है। और बाबा कुछ मूल्यों से हम देख रहे हैं कि खजानों के बारे में भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं कि खजाने को स्टॉक होना चाहिए। तो इस पर भी चिंतन चला आज कि खजानों का स्टॉक क्यों चाहते हैं बाबा, कि भरपूर हो कर रहे। तो उस पर ऐसा चिंतन चला कि जैसे कोई घर छोड़ के बाहर कमाई करने जाता है, तो और उसके लिए लिमिट होती है 6 महीने के लिए उसको बाहर भेज गया समझो, और उस समय में उसको सब कुछ वो लाना है साथ में, भरपूर होकर आना है क्योंकि उसको वापस घर भी आना होता है 6 महीने में। तो वो हर वो चीज लेने की कोशिश करेगा, हर उस चीज से भरपूर होने की कोशिश करेगा कि हम घर पर जाएंगे तो कोई भी कमी नहीं रहे। तो हमें भी वापिस अपने घर जाना है जो बाबा ने वायदा करवाया, साथ रहना है, साथ जाना है, और फिर से साथ में सतयुग में आना है, वो भी स्टार्टिंग से जो 100% कंप्लीट स्वर्ग होगा। तो बाबा कहते हैं कि उस घर में वापस जाना है, तो ऐसे संकल्प चला कि अभी ये समय वो समय है कि वापस घर जाना है, तो खाली हाथ नहीं जाना है, जितना हो सके सारा स्टॉक जमा करके फिर अपने घर जाना है सतयुग के आदि में, जहाँ पे कुछ भी कमी नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ हमने सब कुछ जमा करके फिर वापस घर जाना है। तो ऐसे संकल्प चला, तो जैसे कि खजाना का स्टॉक होगा तो हम किसी और भी बांट सकेंगे, तो स्व सेवा में स्व के खजानों का स्टॉक बढ़ने में ही विश्व की आत्माओं को हम विश्व कल्याणकारी बनकर उनको जो चाहिए वो दे सकेंगे। और बाबा ने तो हमें स्वमान ऐसे दिए हैं कि उसमें हमारे सारे कर्तव्य आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि किसी की उलना न रह जाए, ये भी अंडरलाइन करने की बात है कि कोई हमें ऐसा ना कहे कि हमारा बाबा आया था और आपने हमको इत्तला भी नहीं दी। तो ये भी अटेंशन दिलाया आज बाबा ने। और बाबा ने ये भी तभी कहा कि बहुत सारी सेवाएं बाकी है और समय बहुत कम है। तो अब अगर ये 2006 की बात अगर हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी तो समय का क्लाइमैक्स इतना समीप आ गया है। तो ये तो अटेंशन की बात है जो बाबा ने कहा कि अटेंशन कम है। जी
बाबा कह रहे हैं कि समय का महत्व अटेंशन में रखो, समय पूछ के नहीं आना है। बाबा पिछली कई मुरलियों में ये रिपीट कर चुके हैं। समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है। तो कई बार इस बात को हम उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये भी बड़ी बात है। तो ये छोटा सा योग है, आयु में छोटा लेकिन बड़े से बड़ी प्राप्ति का योग है, क्योंकि बड़े से बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। ये बहुत ही गहरे गहरे महावाक्य हैं, और इन महावाक्यों पर जितना हम रिफ्लेक्शन करेंगे उतना गहरे में जा पाएंगे। तो किन किन बातों का बीज डालने का समय है, ये भी इम्पॉर्टेंट है समझने की बात। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय ये है, और डबल फल प्राप्त करने का समय है, प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल। फिर बाबा ने एक और बहुत बड़ी नशे की बात कही कि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े से बड़ी सौगात दी है। ये कितनी बड़ी बात है कि पता नहीं इसको हम कैसे लेते हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ी बात मानी जाती है। तो स्वर्ग का राज्य भाग्य वो हथेली पर लेकर आए हैं, वो भी गिफ्ट में। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई दे नहीं, कोई देता नहीं और कोई दे भी नहीं सकता। तो इसी समय ही आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। तो फाइनली क्या है कि स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। तो स्वमान में तो हम रहते हैं अधिकतर भाई बहन, क्योंकि ज्ञान में दिन भर रहते हैं तो वो सब बातें याद रहती हैं, लेकिन एकाग्र रहना है तो इसके लिए थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। फिर बाबा ने तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स आज हमें दिए हैं, वो शेयर भी किए थे ग्रुप में। कौन से तीन शब्द हैं वो, रीना बहन ने शेयर किए थे इंग्लिश में? अलर्ट, होशियार और खबरदार। हाँ, तो इन तीनों को हम कैसे समझ सकते हैं अलग अलग? कोई भी शेयर कर सकते हैं, अलर्ट, होशियार, खबरदार। दिलीप भाई आप कुछ बताएंगे, ये तीन शब्द बाबा ने क्या यूज करे हैं? ये मैं सोच रहा था आपकी आवाज़ कम आ खबरदार रही है को थोड़ी। कैसे किया जाता है। खबरदार तो ऐसा है कि हमसे कोई गलती ना हो, कि होशियार को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, खबरदार से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हम इतना टेंशन रखें जिससे कि हमसे कोई गलती ना हो, अदरवाइज हाँ हम पनिशमेंट को भी ध्यान रखें। अच्छा, और और कोई कुछ इसमें कुछ शेयर तो करना चाहेगा, कैसे इसको हम समझ सकते हैं? हमारा रूहानी कमांडर, हमारी हम रूहानी सेना को वो कमांड दे रहे हैं ना, अलर्ट, होशियार, खबरदार, वो जागते रहो वाला भी रहता है ना वॉचमैन। तो वो है कि कौन सी भी भाषा में समझो लेकिन बी अलर्ट, वो बाबा अटेंशन प्लीज भी जो कहते रहते हैं। तो इट्स मतलब कि हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि ये जो अभी बार बार बाबा कह रहे हैं ना, अटेंशन की कमी, स्वमान क्यों भूल जाता है, हम रहते हैं बट वो कभी कभी क्यों जा हो जाता है, बाबा ने भी वही कारण बताया कि अटेंशन की कमी है। तो वो अटेंशन दिलाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं कि ये अटेंशन हमारा ना डिफ्लेक्ट हो, हम उसी अटेंशन में रहे। जैसे वो अभी हमारे साथ कपिल भाई भी हैं, तो कैसे वो जो स्थूल फौजी आर्मी वाले भी रहते हैं, वो लोग जैसे इतना अटेंटिव हो सकते हैं 8 घंटे वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो चीज हम लोग अपने मतलब सिविलियन होके खाली मेंटली करना है,
वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? कपिल भाई को चैट करना चाहेंगे। ओम शांति भाई जी। अलर्ट का यही है, अलर्ट माने चौकन्ना, समझदारी से चौकन्ना होना, और खबरदार मतलब वो ये बोलते हैं ना, छाछ फूक फूक के पीना वाली बात है, मतलब कदम हर कदम अलर्टनेस से चलना, मतलब यही है इसका मीनिंग। अलर्ट मतलब जैसे बाबा हमेशा अटेंशन की बात करते हैं ना, कि अटेंशन बच्चों अटेंशन की कमी है, तो अलर्ट मतलब मुझे लगा कि अटेंशन में रहना, जैसे बाबा ये भाई ने बताया। और दूसरा क्या था, होशियार मतलब क्लेवर रहना, जैसे थोड़े बच्चे रहते हैं ना जो थोड़े स्कूल में होशियार रहते हैं और थोड़े थोड़े डल रहते हैं, तो होशियार में रहना मतलब हमेशा समझना है कि हमें अभी इतने समय में कैसी पढ़ाई करनी है ताकि हम और आगे जा सके और अच्छे मार्क्स पा सके। तो बहुत मतलब जैसे होशियार बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं ना, वैसे थोड़ा सा समझ के चीजों को समझ के आगे बढ़ते रहना है। और खबरदार मतलब या कॉशियस, कि कॉशियस रहना है हर समय कि हाँ हम कहीं खबरदार, हिले वार्निंग नहीं। है, वार्निंग, बाबा की वार्निंग। तो अभी जैसे ये स्थूल आर्मी में भी क्या होता है, पहले इन लोग की ट्रेनिंग होती है, हाउ आर दे एबल टू डू दैट फॉर 8 आवर्स ट्रेनिंग। तो जो हमारा अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, एक्चुअली दैट ओनली मैटर्स, क्योंकि ये जो हमेशा अलर्ट वाली स्टेज है वो बाद में ही आनी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, और अगर हम वर्बाटिम देख रहे हैं कि होशियार मतलब क्या, तो जैसे माया कहाँ से आ रही है, हमें उससे होशियार रहना है, उसको पहचानने की हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए। अब जैसे ये फौजी लोग भी रहते हैं, तो कहाँ से कौन इन्फिल्ट्रेशन होगा, वो कहाँ से कौन आएगा, वो सब देखने के लिए हमारे पास वो जो एक पैनी नजर होनी चाहिए, शार्प आई। तो हमें माया को पहचानने के लिए बहुत शार्प आई होनी चाहिए हमारी। हम ऐसे अलबेले हो के नहीं कि हाँ चलो वो ड्रोन है तो जाने दो, लेकिन उसमें है कुछ तो होगा ना, मतलब तो उस तरह करके वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड कैलकुलेटिव इन दैट सेंस, कि कहाँ से क्या हो सकता है, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड। अलर्ट मतलब जागरूक रहना, होशियार मतलब बाबा ने जो जितने हमें हथियार दिए हैं वो हमेशा, और जो बाबा ने कहा श्रीमत का हाथ वो पकड़े रहना, पर खबरदार माना जो चांसेस है माया के आने के, या फिर जो भी जैसे कि 8 पेपर जो बाबा ने पहले ही बताए हुए हैं, अंतिम पेपर, उन कौन सा पेपर कब आएगा उसमें फिर खबरदार। एक बहुत अच्छा मेटाफर यूज़ किया जाता है अटेंशन के लिए, कि जैसे आप किसी रूम में हैं और उसी रूम में एक ब्लैक कोबरा है, स्नेक है, और वो आप ही की तरफ अपना फन लेग करके खड़ा है, और आपकी नज़र ज़रा भी हटी एक सेकंड के फ्रैक्शन के लिए भी, तो वो आपको डस लेगा। तो ऐसे ही माया है, या कहेंगे बेहोशी है, या जो भी ये सारा चल रहा है हमें धोखे देने का कार्यक्रम जो माया का है पूरा, तो इतना हमें अलर्ट रहना चाहिए हर समय। जैसे कि रूम में स्नेक है और हम बिल्कुल मतलब उसकी सांस चलने तक को भी हम नोटिस कर रहे हैं, ज़रा सा इसका मूवमेंट होगा हमें केयरफुल रहना है, ये कुछ कर देगा। वही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, लेकिन ये सावधानी बहुत ही अल्ट्रा अलर्ट है ये। बट ये होल्डिंग करना ना, कि हम उतने समय उस देखते रहे जब तक हमें ये पता है कि समवन इज कमिंग, और उसके बाद दिस विल बी डन। अगर वो रहे कि हमें इट इज लाइक कि ये हमें इसी तरह ही रहना है, तो वंस तो हो ही जाएगा गिव अप। तो इसके लिए ये कि बाबा है इसके लिए वो चीज, और ये टाइम खत्म होना है, इसके लिए हमको वो अगर रिमेम्बरेंस रहे कि हाँ दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म दैट वी आर डूइंग एंड इट कैन बी डन, इट द अटेंशन कैन बी हेल्ड फॉर दैट स्पैन ऑफ टाइम, जब तक ये समय खत्म नहीं हो जाए, बिकॉज अब बहुत थोड़ा सा समय रहेगा। और ये जो अलर्टनेस है ये ट्रेनिंग से बढ़ाई जा सकती है, ये इंटरेस्टिंग बात है। और बहुत सारे ऐसे भजन भी हैं, मतलब कबीर के भी ऐसे भजन्स हैं जिसमें अटेंशन की ट्रेनिंग की बात कही गई है। जैसे एक गीत आता है कि रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोर आएगा, और वो चोर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, उसकी क्या क्या बहुरूपिया
रूप बदल बदल के आएगा, उसके बारे में उस पूरे भजन में बताया गया है बहुत खूबसूरती से, कि इतना केयरफुल रहना है कि वो कैसे चुपके चुपके आएगा, पता भी नहीं चलेगा, और सब लूट के ले जाएगा। तो जब ऐसी चीज़ें हम बार बार गहराई से सुनते हैं तो हम अलर्टनेस की उस स्टेज पे पहुंचते हैं जो मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है, वो मेडिटेटिव प्रोसेस से ही पॉसिबल है। तो उसकी भी कभी कोशिश करेंगे आगे टाइम मिलेगा तो, या ग्रुप में शेयर ये करके। इसके लिए हाँ एक स्टोरी बताते हैं। अब वो पूरी डिटेल स्टोरी याद नहीं आ रही है, लेकिन इतना याद आ रहा है कि एक शिष्य होता है जो अपने साधु के पास जाता है वो ट्रेनिंग लेने के लिए, कुछ अपने क्या कहते हैं गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है। फिर वो आने वाला होता है तो वो पूछता है उसके मन में जो भी सवाल होते हैं, तो हर सवाल का जवाब उनके जो गुरु है एक ही वर्ड में देते हैं, जागृति जागृति जागृति। यही वो अलर्टनेस है कि अगर हम अलर्ट रहेंगे तो अपनी होशियारी काम में आएगी, नहीं तो फिर अलर्ट नहीं होंगे तो हमारे पास सारे हथियार है फिर भी वो माया फिर वार कर लेगी, जो भी दुश्मन है वो वार कर देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अलर्ट वर्ड। राइट, तो अभी हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, हमें इसके बारे में भी अलर्ट रहना पड़ेगा। सो देर इज़ अ डेड लाइन ऑलवेज, देर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी ऑलवेज। तो बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो, करना ही है, चलना ही है। तो और कुछ इसमें क्विकली शेयर करना चाहेगा इस मुरली में, आगे क्या क्या बाबा ने और कहा, कोई मुख्य बातें? एक जो बाबा ने इसमें सहयोग देने की बात बोली कि सहयोग देना देना नहीं, बहुत बहुत दुआएं लेना है। और वो किस लिए? क्योंकि हम जिनकी सेवा करते हैं वो खुश हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दुआएं निकलती हैं। और बाबा ने इस सीजन का जो हमें होमवर्क दिया कि हमें समान से उतरना भी नहीं है और समय के महत्व को भूलना भी नहीं है। और ये जो अपना बाबा ने याद दिलाया अलबेलापन और रॉयल आलस्य, तो अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। और जो वीडियो में वो जो कुमारियों के साथ का पीस था वो बहुत अच्छा लगा, जिस तरह बाबा कुमारियों के साथ बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कब तक रेडी होंगी, और सबसे वो ले रहे थे कि कितने हैंड्स तैयार हुए, कितने लोग भी, कितनी बार इस क्वालिटी निकले। तो वो इंटरेक्शन काफी अच्छा लगा था। और एक बस क्विकली से छोटी सी, आपने जो समान स्मृति के बारे में बोला था कि एक माँ अपने बच्चे के साथ मॉल में जाती है, माँ बच्चा बहुत शरारती होता है और वो हर बार हाथ छुड़ा के भाग जाता है, तो वो फिर से एक बार वहां भाग जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि ये बच्चा फिर से खो गया। अब वो बच्चा तो किसी दुकान पे खड़ा है, उसको सुनाई दे रहा है कि मैं फिर से खो गया, मतलब ही इज नॉट इवन रियलाइजिंग दैट खो गया। तो हमारी भी सिचुएशन वैसे ही है कि हम खो गए हैं, बाबा आगे हमको बार बार याद दिला रहे हैं लेकिन हमें वही नहीं पता है कि हम खोए हुए हैं। तो बाबा हमें ढूंढ ढूंढ के हमको ये सामान देकर हमें स्मृति दिला रहे हैं। ओम शांति। तो आज इतना ही करेंगे, और 4 मिनट्स योग के लिए। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, पानी का बुलबुला है,
इंसान की जिंदगानी दम भर का ये फसाना पल भर की ये कहानी हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है ये वक्त जा रहा है किसके लिए रुका है काफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है ये वक्त जा रहा है किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा करना है जो भी करे ये वक्त जा रहा है ये वक्त जा रहा है किसके लिए रुका है पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी दम भर का ये फसाना पल भर की ये कहानी हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है करना